पूर्व से हरीश रावत का सोशल मीडिया में बड़ा खुलासा हुआ है। हरीश ब्यूरोक्रेट्स के आगे बेबस हो गए थे। मुख्यमंत्री पहाड़ हिला सकता है लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी को नहीं हिला सकता। कर्मचारी नाराज हो गए तो पार्टी की छुट्टी हो सकती है। गुरुजी तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री पहाड़ हिला सकता है, इस तरह की बयानबाजी उर्जिमा हरीश रावत की तरफ से। तो हरीश रावत ने सोशल मीडिया में ये बड़ा खुलासा किया है कि ब्यूरोक्रेट्स के आगे हरीश रावत बेबस हो गए थे। मुख्यमंत्री पहाड़ हिला सकता है लेकिन उत्तराखंड के अधिकारी को नहीं हिला सकता है। तो ये सोशल मीडिया के जरिए खुलासा पूर्व सीएम हरीश रावत का। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के अधिकारी को नहीं हिलाया जा सकता लेकिन मुख्यमंत्री पहाड़ हिला सकते हैं। तो कर्मचारी नाराज हो गए तो पार्टी की छुट्टी हो सकती है। गुरुजी तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए, ये किस ओर उन्होंने इशारा किया है और जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है उसके बाद कई बड़े जो है सवाल खड़े हो जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो पहाड़ हिला सकता है लेकिन उत्तराखंड के अगर अधिकारी नाराज हो गए तो पार्टी की छुट्टी हो सकती है। तो उत्तराखंड के अधिकारियों को कोई नहीं हिला सकता है, तो सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट्स पर उन्होंने सवाल इस खुलासे के जरिए किए हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का सोशल मीडिया पर यह बड़ा खुलासा, गुरुजी तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने किस ओर इशारा किया है, कई मायने जो है वो इस खुलासे के बाद इनकी इस बात के निकाले जा रहे हैं। तो हरीश रावत ने सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सवाल खड़ा किया है कि हम इसके आगे बेबस हो गए। और ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर, हम उनका रुख करते हैं। पंकज, पूर्व सीएम हरीश रावत का सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा, सीधे ब्यूरोक्रेट्स को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, और हरीश रावत आए दिन फेसबुक पे जो भी कुछ लिखते हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बन जाते हैं, और इस बार उनके निशाने पर उत्तराखंड की नौकरशाही थी। और हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जब मैं बना तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक बड़ा पत्थर भी हटा दूंगा, विशाल पत्थर भी हटा दूंगा, पहाड़ भी हटा दूंगा, लेकिन 6 सालों में के बाद उनको समझ में आया है जब वो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं कि भाई मुख्यमंत्री पहाड़ तो हिला सकता है लेकिन अधिकारी को नहीं हिला सकता। तो कुल मिलाकर कोशिश हरीश रावत की यही है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान जिस तरीके से अधिकारी बिल्कुल अगर बेलगाम हो गए थे और उन्होंने जनता से जुड़े हुए उनकी योजनाओं को जो धरातल में पहुंचाने की जो कोशिश हरीश रावत की थी उनको पूरा होने नहीं दिया, तो उसकी वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार गुरुजी शब्द का इस्तेमाल पंकज यहाँ पर किया गया। उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया में एक बात कही कि गुरुजी तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए, तो ये किस ओर इशारा करते हुए नजर आए? ये शिक्षकों के ऊपर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी तो जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल उनको तो हिलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अन्य जो कर्मचारी हैं या फिर शिक्षक हैं, शिक्षकों को तो बिल्कुल नाराज ना करो, क्योंकि उत्तराखंड में अगर कहा जाए तो 2.5 लाख से जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें आधे से ज्यादा तो शिक्षक ही हैं, और उनका हर जगह पर रसूख रहता है, वो जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर भी वो पार्टी के खिलाफ भी वो कहीं ना कहीं प्रचार कर देते हैं, और ये हमेशा कहा जाता है उत्तराखंड में कि किसी से भी आप नाराजगी बोल दीजिए, उत्तराखंड के शिक्षकों से नाराजगी। तो सीधे तौर पर इस खुलासे के जरिए पंकज कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल खड़े किए हैं और जाहिर तौर पर सवाल खड़े भी हो जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।